नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास एक लावा का मोबाइल है। लावा का ये मोबाइल हमारा Z60E और इसमें हमारी ये चार्जिंग की प्रॉब्लम है। इसको हम किस प्रकार से रिपेयर करेंगे ये हम आज आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि आप वीडियो को विदाउट स्किप के देखिएगा, क्योंकि आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी और वो मिस हो गई आपसे तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को विदाउट स्किप के देखिएगा और शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम हमारे मोबाइल का बैक कवर ओपन करेंगे, ये देखिए, और हम ये बैटरी रिमूव करेंगे हमारी। और ये देखिए हमारा मोबाइल है लावा Z60E। ये देखिए दोस्तों ये हमारा मोबाइल है लावा Z60E। इसका हम चार्जिंग जैक रिप्लेस करेंगे। किस प्रकार से हम रिप्लेस करेंगे ये हम आज बताते हैं तो सबसे पहले हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये स्क्रू जो भी हम ओपन करें वो मैग्नेट के लगा सकें, ताकि हमारे कोई भी स्क्रू मिस ना हो। तो वन बाय वन करके हम सारे स्क्रू ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने ये सारे स्क्रू ओपन कर लिए। अब हम इसको बोन को ओपन करेंगे। इसके लिए हम ट्वीज़र का इस्तेमाल करेंगे। हम ट्वीज़र की सहायता से इसको अनलॉक करेंगे। ये हमें बहुत ही केयरफुली करना है दोस्तों। हम चारों तरफ से इसके लॉक को अनलॉक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमने इसका बोन को रिमूव कर लिया। अब हमें ये चार्जिंग जैक रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ये फ्लेक्स को अलग करेंगे। ये डिस्प्ले फ्लेक्स को अलग करेंगे हम। ऑन ऑफ फ्लेक्स को अलग करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये अलग करने के बाद में हमें ये स्क्रू इसके ओपन करने मदरबोर्ड के। ये देखिए हमने ये मदरबोर्ड के स्क्रू ओपन कर लिए। अब हमें ट्वीज़र की सहायता से इसको मदरबोर्ड को निकालना है। ये बहुत ही केयरफुली करना है हमें। ये देखिए दोस्तों ये मदरबोर्ड हमने रिमूव कर लिया। हमें ये एंटीना को निकालना, एंटीना वायर को रिमूव करना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। हमने निकाल लिया और ये देखिए दोस्तों ये हमने हमारे मदरबोर्ड को निकाल लिया और ये हमें ये चार्जिंग जैक रिप्लेस करना है। इसको हम किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे ये हम आज आपको बताते हैं। देखिए इसके लिए हम ये इसके अलग करेंगे। अनलॉक करेंगे हम इसको और ये रिमूव कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी हम इस जैक को
रिमूव करेंगे। इसके लिए हम SMD का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, हम SMD की सहायता से इसको रिमूव करेंगे। हमें ये नीचे का फ्लेक्स इसको बचाकर इसको रिमूव करना है, तो हम इसको ऊपर की साइड से ही रिमूव करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने हमारे जैक को रिमूव कर लिया। ये देखिए हमारा डैमेज जैक। अब हम इसमें नया जैक लगाएंगे। इससे पहले दोस्तों हम इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं ताकि इसकी डस्ट वगैरह जो भी है वो क्लीन हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको क्लीन कर लिया। अब हम इसमें नया जैक लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें ये नया जैक लगाएंगे, ये हम सोल्ड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने जैक लगा दिया। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें, ताकि हमारा जो जैक है इसकी पकड़ मजबूत रहे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको सोल्ड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं ताकि हमारी जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। तो हम इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। अब हम इसको पैक करके चेक करते हैं। हमारा ये हमारा डैमेज जैक है, हम इसको पैक करते हैं वापस से। ये देखिए, ये हमने इसका सेंसर लगा दिया। ये हम मदरबोर्ड लेंगे इसमें और हम ये हमारा एंटीना लगाएंगे, एंटीना का वायर लगाएंगे, एंटीना वायर लगाएंगे हम मदरबोर्ड में।
पैक करने के बाद में हम मदरबोर्ड के स्क्रू लगाएंगे हमारे दो जो हमने ओपन किए थे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसके मदरबोर्ड के स्क्रू लगा दिए। अब हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम ट्वीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही केयरफुली करना हमें। इंसर्ट करने के बाद में हम इसको लॉक करेंगे। इसी प्रकार से हम ये टच को इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद में हम हमारे इसको लॉक को लॉक कर देंगे, और यही प्रोसेस हम ऑन ऑफ स्विच के साथ करेंगे। मेन कैमरा की भी हम यही प्रोसेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फ्लेक्स को लॉक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको लॉक कर दिया। अब हम इसका बोन लेंगे और बोन को फिट करेंगे। ये बोन को हमें चारों ओर से लॉक करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बोन हम चारों ओर से फिट कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसमें हमारे स्क्रू लगाएंगे जो हमने ओपन किए थे। वन बाय वन करके हम सारे स्क्रू लगाते हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सारे स्क्रू लगा दिए इसमें। इसमें हम हमारी सिम इंसर्ट कर देते हैं। हमने फर्स्ट सिम लगा दी, ये हमने सेकंड सिम लगा दी, ये मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। हम बैटरी इंसर्ट करते हैं, बैक कवर लगाते हैं हमारा। ये देखिए, हमने बैक कवर लगा दिया। अब हम इसमें चार्जर लगा के चेक करते हैं। ये देखिए, हम चार्जर इंसर्ट करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। हम इसको ऑन करके और चेक करा देते हैं। हम स्विच ऑन करते हैं हमारे मोबाइल का। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, और ये देखिए हमारी 1% दिखा रहा है, चार्जिंग हमारी शो हो रही है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, 1% हमारी बैटरी है। हम इसको अनलॉक करके चेक करते हैं। ये देखिए, हमने इसको अनलॉक कर लिया। हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, तो हम मॉडल चेक करा देते हैं आपको कौन सा है। हम इसकी सेटिंग में गए, अबाउट फोन में आ गए, और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मॉडल है लावा Z60E। ये देखिए दोस्तों, लावा Z60, और ये हमारी ये चार्जिंग हमारी ये चल रही है। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार से हमने हमारी लावा Z60 का चार्जिंग जैक रिप्लेस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लोग दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम भविष्य में आपको और भी बेहतर जानकारी दे सकें। ये देखिए, हमारी चार्जिंग चल रही है।